वेलकम बैक। हम अपने शो में आ रहे हैं एक ऐसे आर्टिस्ट जिन्होंने एक सहेली बनाई पहला, उन्होंने सहेली उन्होंने धोखा देगी, फिर उन्होंने एक गाना कढ़िया तो वो गाना सुपर डुपर हिट होया, फिर उन्होंने थोड़ी जी हिम्मत की एक नवी सहेली बनाई तो उस सहेली ने भी जब धोखा देता फिर उन्होंने गाना कढ़िया तो वो गाना भी होया सुपर डुपर हिट। इस तो पहले की तीसरी गर्लफ्रेंड बनाउन आपां उन्होंने बुला लिया टच ऑन द पैग विद, लेट्स वेलकम मनिंदर पर अगला गाना बीट कर पर फिर मैं लगता थोड़ी जी कितने थोड़े आस जाग गई अंदर दिल च कि शायद वापस आ जाए फिर तुम कितने कली करता। नहीं मैं विजय करना बीट ट्रैक ही सीगा ना बीट सॉन्ग करना सीगा पर उस प्रॉब्लम क्योंकि मैं ज्यादा सोचन लग गया किदां दा बीट दवां अर्बन बीट दवां या अपने पंजाबियों लई बीट कोई ढोल ते बीट करा है ना आ चीज मैं सोचा च पै गया वो चीज़ नूं लंघदे लंघदे लगभग 9-10 महीनों का गैप पै चुका सी है ना मैं क्या भी इन्ने गैप नूं मेरा कोई बीट ट्रैक नहीं सामभ सकता है ना क्योंकि मैं रोमांटिक च मेरी वॉइस मेरी जिहड़ी क्वालिटी है ना रोमांटिक आ फिर मैं सोचा मैं कितने कली मेरे को शुरू से मैं सोचा सी मैं जो मैंने किसी चीज़ की लड़ पी मैं कितने कली सामभ सकता कितने कली इदा ट्रैक ये यारी तो पहला का बनया हुआ है ना तो फिर डिसीजन सारे ने इदा ही लिया कितने कली करते हैं जल्दी म्यूजिक प्रीत हुंदल ने म्यूजिक किया बहुत ही उन्हें घेंट म्यूजिक किया भीरे ने वीडियो विरसाट ने की पंजाब रैकेट से गाना आया इकलौते पंजाबी स्टार हो जिन्होंने दो गाने किए ने 7 मिलियन व्यूज थोड़े को पहले गाने के 5 मिलियन दूसरे के 2 मिलियन तो दिन ब दिन वधदे जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट ने पंजाबी इंडस्ट्री में जिहड़े अज आउंदे ने कल आउंदे जिन्हां दी एल्बम्स आईयां ने तो उन्होंने टोटल मिला के भी 7 मिलियन नहीं होने सो यू फीलिंग प्राउड वधिया लगता भी दोनों गाने नूं जनता ने बहुत सारा प्यार दिता ना सुनिया जनता मैं कई बार देखदा मैं इक ब्याह च गया होया सीगा मैं रोटी खाईंदा वेटर ना रोटी सर्व करदा सी वो मेरी फोन च वीडियो भी मैं तेन बाद दिखाऊंगा ना वो इधरली साइड आया मेरे को मेरा हाथ फट के कहना रोन लग गया वो है ना कहना वीरे कितने कली ने रोबात आ बई मैं मेरी सहेली छड़ गई है ना वधिया भी लगता यार लोग इन्ना प्यार करते हैं ना पर वधिया प्यार दिता दोनों गाने नूं पर अगे सारे बीट ही करने हैं कोई इदा फिर तुसीं इस प्यार नूं मिस करोगे जो बीट गाना कीता नहीं मैं कढ़ दिया करना 6 महीने बाद एक प्यार होर कढ़ दिया करना अच्छा लोगों नूं रोण हटना नहीं। मनिंदर पुटर अज तो ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਲਈ ਮੋਨੂ ਸੀ ਘਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਨੂ ਕਹਿ ਕੇ ਮਨੂ ਮਨੂ ਮੋਨੂ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨੂ ਹਨਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੋਨੂ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ ਆ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਆ ਲੋਕੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੇਂਜ ਆ ਘਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਨੇ ਦੋਨੇ ਭੈਣਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਨੇ ਹਨਾ ਭੈਣਾਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੇਮ ਆ ਪਰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਘਰ ਘੱਟ ਜਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅਸ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੰਮ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਪਰ ਇੰਨਾ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਹੌਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀਤਾ ਹਨਾ ਮੰਮੀ ਹੁਣੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੰਮੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਣਜੇ ਦੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ੋਪ ਤੋਂ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਲੈਣ ਗਏ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਫਰੇਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮਨਿੰਦਰ ਪੁੱਟਰ ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਕਿੱਥੇ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਨਾ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਾ ਆਵੇ ਮੰਮੀ ਹੁਣੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਆ ਉਹ ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰੀ ਲਾਈ ਸੀ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਜਾਣੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਾਈ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨੋ ਡਾਊਟ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਹੁੰਦਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਪ੍ਰੀਤ ਹੁੰਦਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਗਾਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਲਝ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਾਣੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਗਾਣਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਹੁੰਦਲ ਹੋਣੀ ਨੇ ਜਾਂ ਖੈਰੀ ਹੋਣੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਖੈਰਾ ਵਿਰਸਾਟ ਸਾਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹੀ ਰੋਕੀ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਆਹ ਗਾਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦੇਸੀ ਗਾਣੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਸੀ ਢੋਲ ਵਾਲੇ ਡੰਡਣਾ ਪਰ ਮੇਰੀ ਇਮੇਜ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ 3-4 ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕ ਬੋਨ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਭਾਜੀ ਹੁੰਦਲ ਨਾ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਨੇ ਅੱਛਾ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਆਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੱਚਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਆਹ ਕਿ 2 ਗਾਣੇ 3 ਗਾਣੇ ਕੱਢੇ ਆ ਹਨਾ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਗਾਣੇ ਕੱਢੇ ਆ ਸਟਾਰ ਮਾਰੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਬਹੁਤ ਆ
बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स है ना इंडस्ट्री च। मैं यारी ते किते गली तो बहुत शोज लगे है ना मैनू पता, क्योंकि वो बिग हिट सीगे। नहीं सैड सॉन्ग तो किसी नूं शोज नहीं मिलते, बिग हिट सीगे। पिट पिछे गल्लां करी जाणियां, पॉलिटिक्स हैगी है ना भी है। ये सैड सॉन्ग ना थोड़ी शो मिलते होंगे, ये थोड़ी मिलते होंगे भी, मिलते मिलते लगते हैं। लत्तां खिंचण वाले थोड़े बहुत ने, बस अपने आप संभालना पैना, कोई चीज फड़ के रखनी पैनी थले खिंचण नूं बहुत भी थले आओ तू इत्थे करदा। अच्छा मैनूं लगदा कि तुसीं यंगेस्ट हो जिन्ने पंजाबी सिंगर ने, सब तों यंगेस्ट स्टार तुसीं हो मनिंदर बुट। मैं 22 हां शायद, तो छोटा कोई होर होगा। 22 साल तों छोटा मैनूं लगदा पंजाबी इंडस्ट्री च कोई नहीं हैगा, कोई नहीं हैगा ना, कोई नहीं हैगा। सो 22 साल दी उम्र च तुसीं 7 मिलियन व्यूज, 3 गाने, सुपरस्टार पंजाबी इंडस्ट्री। ओ नहीं हजे बिग गल, मतलब बहुत वड्डी गल है, वड्डी गल है पर सुपरस्टार वाली। पर तुहाडे जिहड़ा रस्ता है, जिहड़ी मंजिल है, ओ की है? अपने आप नूं अज तों 5 सालां बाद कित्थे देखदे हो तुसीं? जिथे कदे सोचा ही ना होवे उत्थे पहुंच जा। की है की मुकाम की है? मैं ओही कह रहा, जिथे कदे सोचा ही ना हो, मंजिल दा कोई रास्ता नहीं हुंदा। जे मैं सोच लिया ना, मैं भी एक मान लो एक रास्ते ते 7 पेड़ आउंदे ने, मैं सोच लिया मैं 7वें पेड़ तक जाना, बस फिर मैं कामयाब। हालांकि उदू बाद 100 पेड़ होर भी होणगे। मंजिल तय नहीं करनी चाहिए, तुम रस्ते ते चलते रहना जरूरी, चली जाओ तुसीं। अबे थोड़ी एक टीम बनी विरसा आर्ट्स दे नाल, उन्हां विच अरविंदर खैरा, नवजीत बुट्टर दो जाने सी। थोड़ी जिहड़ी वीडियो बनाई आ पहलां विरसा आर्ट्स ने बनाई आ, पर हुण तुहानूं चूज करना पैणा दोवां दे विचों इक। तुसीं खैरा नूं चूज कर रहे हो? मैं खैरा नूं चूज कर रहा। क्यों, मतलब इदां क्यों ते ओह क्यों नहीं? कुछ नहीं, असीं इकट्ठे रहिंदे, मेरी उहदे नाल बॉन्डिंग थोड़ी ज्यादा आ। अच्छा, हाँ मैनूं उहते थोड़ा ज्यादा भरोसा। नवजीत बुट्टर भी वधिया करदा, काम कर भी रहा वीरा है ना, यूके भी करके आया, एमी दी वीडियो है ना, सब भी कर रहा। पर खैरा मेरे ना रहिंदा है ना, इस करके उस फ्यूचर बारे मेरे बारे शुरू तो सोचदा रहिंदा, तेरा की करना की नहीं करना है ना। मतलब डायरेक्टर बाद च, भरा पहला, भरा पहला। ऑलराइट, थैंक यू सो मच वीरे। थैंक यू, मैं बहुत ही लगे तुम्हें टशन के पैक में लिया के, तुम टशन के पैक में आए, दूसरी बार आए, पहली बार नालों दूसरी वाला एक्सपीरियंस मुझे लगता ज्यादा वधिया सी। सो हुण तुसीं जाना है, तो उन्हों जाने तो पहला अपना किते कल्ली गाना। ओके, किते कली ओ बै बै के याद ता कर दी होनी है, किते कली ओ बै बै के याद ता कर दी होनी है, किन्ना मरदा सी ओदे ते याद कर मरदी होनी है, किते कली ओ बै बै के याद ता कर दी होनी है, किते कली ओ बै बै के याद ता कर दी होनी है। थैंक यू सो मच ब्रो, थैंक यू, थैंक यू, कीप एंजॉय टशन द पैग। मैनू बहुत वधिया लगता हर बार टशन दे पैग जाके। वैसे मैं दूजी बार आया टशन दे पैग च, ते बहुत वधिया इंटरव्यू रही मेरी ते बीजे रंधावा दी। बहुत सारा कॉन्फिडेंस दे विच फर्क पै गया, जदों भाई पहली इंटरव्यू च आया सी उदों थोड़ा थोड़ा डरदा सी, थोड़ा थोड़ा, पर इस वारी पूरा कॉन्फिडेंट, जिहड़ी गल पुछो तड़ैक करके जवाब हुंदा सी। ते इक सब तों कैंट गल हुंदी है, जिहड़े यंगस्टर ने आ, जिहड़े सिंगर यंगस्टर्स आए ने हुण, इह किसे गल तों या किसे बंदे तों डरदे ने? ते मैनूं इक आसान जिहा इहनां ने क्वेश्चन पुछिआ, भाई उहनां ने कि तुसीं किन्ना चिर आपणे आप नूं इंडस्ट्री देखणा चाहुंदे हो? ते मैं देख के हस्या जी, मैं कहा मैं तां सारी इंडस्ट्री सारी उम्र ही देखणा चाहुंदा हां ना, ते मैनूं हमेशा सुणदे रहो, मैनूं प्यार दिंदे रहो, तुहानूं बहुत सारा प्यार करदा मैं। लव यू थोड़ा अपना मनिंदर पुत्र। आई होप कि तुम सारे ने भी बहुत सारा इंजॉय किया होगा, तो हले अपनी इंजॉयमेंट चलती रहनी है, क्योंकि टशन का पैग जारी है। वड्डे वीर जी माड़ा साइड से जो मैं जरूरी गल करनी सी उन्होंने, हाँ जी बड़ी मेहरबानी होगी। नहीं वीर जी बस तुम एक सैकेंड ली हो जाओ, मैं एक सैकेंड गल करके फिर तुम वापस अपनी जगह पर खड़ते हो, कोई चक्कर नहीं गा। वीर जी माड़ा जहा साइड से हो जाओ, मैं बहुत जरूरी गल करनी सी उन्होंने। Let's take a small break.